हमारा सवाल है द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 0.2 लॉग बेस 0.5 लॉग बेस 0.25 एक्स इज, इसका हमको डोमेन बताना है। तो डोमेन देखें, ये एक लॉग फंक्शन है तो इसका जो आर्गुमेंट है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब लॉग बेस 0.5 लॉग 0.25 एक्स, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 0.25 एक्स लेस देन बेस वन से छोटा है तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी 1, फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन 1। 0.2 सॉरी ये हो जाएगा 0.25 पावर 1, मतलब एक्स ग्रेटर देन आ गया 1/4 पहला। और देखिए ये भी एक लॉग फंक्शन है तो इसका भी आर्गुमेंट मतलब ये भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो लॉग 0.25 एक्स ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, तो एक्स की वैल्यू इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बेस वन से छोटा है तो लेस देन 1 आ गया। ये हो गया सेकंड। तो क्या करेंगे फाइनल आंसर के लिए, 1 का इंटरसेक्शन लेंगे सेकंड से। 1 क्या कह रहा है, 1/4 और ये है 1, कह रहा है ये 1/4 से बड़ा, 1 पे ओपन। वो क्या कह रहा है, 1 से छोटा और 1 पे ओपन, तो इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है, ये। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू 1/4 पे ओपन रहेगा, 1 पे भी ओपन रहेगा, ये हमारा आंसर है। मतलब इसमें कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा सी आंसर।